आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोठी मीना बाजार मैदान में पंजीकृत निर्माण कर्मियों की बेटियों का सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें हिंदू रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के साथ विवाह सम्पन्न हुआ और वर वधु परिणय सूत्र में बंध गए। कोठी मीना बाजार मैदान में उपश्रम विभाग के पंजीकृत निर्माण कर्मियों की बेटियों का सामूहिक विवाह समारोह हुआ। उपश्रम आयुक्त धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सामूहिक विवाह समारोह में रीति रिवाज से वर वधु के विवाह कराए जा रहे हैं। 2880 लगभग 2900 वधुओं की शादी हो रही है। ये आगरा मंडल के निर्माण श्रमिकों की बेटियाँ हैं, इन सबों की शादी हो रही है और आज 2000 साइकिल का वितरण भी किया जाएगा। ये सब आप लोगों का सहयोग है और सरकार का ये अभूतपूर्व कदम है जिसकी वजह से हम लोग कर पा रहे हैं। सरकार की तरफ से आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में मंडल भर से वर वधु आए हैं। इस दौरान 2932 वर वधु एक दूसरे के हो गए। कोठी मीना बाजार मैदान में बनाए गए पंडाल में मंडप बनाया गया। इसके साथ ही पंडाल में वर वधु को जोड़े से बैठाया गया और आचार्य श्री के मंत्रों के साथ विवाह की रस्में पूरी की गयी। उपश्रम आयुक्त की पत्नी वंदन कलहंस का कहना था कि सामूहिक विवाह समारोह में पंजीकृत निर्माण कर्मियों की बेटियों की शादी कराई गई है। इस प्रांगण में सभी वर वधुओं का स्वागत है और अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रम विभाग द्वारा इस प्रांगण में सामूहिक विवाह आयोजन किया गया है और ये पुण्य कार्य श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है। देखिए, एक ऐतिहासिक क्षण है कि श्रम विभाग द्वारा 2800 कन्याओं का एक साथ सामूहिक विवाह। ये जो पैसा श्रम विभाग में सेस के माध्यम से आता है, बिल्डिंग सेस के माध्यम से आता है, उस पैसे को श्रमिकों पर ही खर्च किया जाता है और ये लगातार मैं देख रहा हूँ दूसरे साल से, पिछले साल भी हुआ था और इस साल 2800 एक साथ कन्याओं का, मेरे ख्याल से ये शायद विश्व रिकॉर्ड होगा। विवाह समारोह के दौरान माता पिता ने रीति रिवाज से बेटियों का कन्यादान किया। इसके बाद विवाह की रस्म पूरी होने पर बेटी को विदा किया गया। बेटी की विदाई के दौरान परिजनों की आंखें नम हो गई। सरकार इस तरह के कार्यक्रम पहले भी कर चुकी है। सामूहिक विवाह समारोह में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी के परिजनों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।